हाय फ्रेंड, अभी हम लोग जा रहे हैं खेतों में एक छोटा सा कांड करने के लिए। अरे नहीं, कांड नहीं, एक छोटा सा ब्लॉग करने के लिए, आप लोगों को एक वीडियो दिखाने के लिए। अगर इस वीडियो को पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरा जो चैनल है खोला हुआ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह है इलेक्ट्रिक ड्राम। आज हम लोग आ रहे हैं खेत में जो धान होता है, धान में कीटनाशक देने के लिए आ रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक ड्राम है इसमें हम लोग कीटनाशक देंगे और इसके साथ पानी अंदर में देंगे ड्राम के अंदर। उसके बाद एक बैटरी वाला ड्राम है जो कि हम लोग इस जो स्विच है ना, इस स्विच में यहाँ पे एक स्विच है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक स्विच है, हम लोग जब इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पे एक प्रेस बटन है, जब हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे ना ये ऑटोमेटिक यहाँ से मतलब कीटनाशक का जो कीटनाशक और जो पानी हम लोग अंदर डाल रहे वो मतलब बाहर होके धान जो गाछ होता है उसके ऊपर मतलब जाएगा। आप लोग देख पाएंगे कैसे होता है। पहले ये देखिए, ये जो है पानी हम लोग अंदर डाल रहे, इसके अंदर एक मतलब कापड़ भी दिया हुआ है ताकि जो मतलब यहाँ पे जो हम लोग जो पानी ले रहे हैं ना, और उसमें उसका जो मिट्टी है और कुछ जो सामान है मतलब अंदर ना जाए, अगर अंदर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए छोटा सा बटल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली हम लोग दो खेतों में बाँटेंगे एक मतलब एक कीटनाशक। तो इसमें हम लोग एक ड्राम जो देंगे, एक ड्राम के लिए हम लोग लगभग दो से तीन जो मतलब सीपी होता है उसमें डाल के हम लोग ड्राम के अंदर डालेंगे। ये देखिए अभी डाल रहे हैं, डालो डालो डालो। हाँ ठीक है ठीक है, देखिए डाल रहे, ये देखिए इसके अंदर सब मतलब मिक्स हो जा रहा है। एक ही सीपी देंगे क्या? हाँ हो जाएगा, और थोड़ा सा दे दो ना, थोड़ा सा हाफ छिपी दे दो। बस 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 ठीक है।
थोड़ा पानी भी तो देना होगा, दे दो। पानी डालते डालते देख लीजिए, हम लोगों का जो गांव है, गांव में जो मतलब खेत है, मैं पहले भी एक ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, मतलब धान का जब बड़ा होता है, होने के बाद जब ग्रीनिंग हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, उसके बाद जो विलेज का जो नज़ारा होता है तो कितना खूबसूरत होता है, मतलब खूबसूरत होता है। तो मैं और एक बार दिखा देता हूँ, देखिए सब कुछ ग्रीन हो चुका है, मतलब ऐसा नज़ारा या मतलब आप लोग तो जानते ही हैं मतलब विलेज कितना ग्रीन होता है। तो एक बार देख लीजिए, ये सबसे मतलब जो प्योर ग्रीन होता है इसी टाइम में होता है, देखिए आसपास सब कुछ ग्रीन, एकदम ग्रीन है। देखिए मतलब भट्टी हो गया, अब हम जाएंगे मतलब खेत के अंदर स्प्रे करने के लिए, और मेरा जो फ्रेंड है वो कैमरा करेंगे, वो दिखाएंगे कैसे हम मतलब वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं। तो लेट्स गो, देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं। ये देखिए हम अभी तैयार है, हम सब कुछ ढक दिया क्योंकि यहाँ पे मतलब जो धान गाछ है ना बहुत बड़ा हो चुका है, वहाँ पे बहुत सारा जानो मतलब छोटा छोटा पोका मकड़ रहता है, ताकि हम मेरे को कुछ अटैक ना करे, तो इसीलिए मैं एकदम सब कुछ मूव कर रही हूँ। ये देखिए अभी हो रहा है, हम अभी अंदर जा रहे हैं। बोलते जा दाना ना खाला वीडियो अटैक, স্পিড করো, বিজবার আছে বলবি ওর তাড়াতাড়ি হাঁটো না।
सकते हैं। রেখা দাও রেখা দাও, হাত দিয়ে লাগে। বাস খতম। এক খেতো মে আবি আবি মতলব ফিনিশ হুয়া হ্যায় আর এক খেত মে হাম লোগ জায়েঙ্গে। एक ज़मीन पे मतलब ख़त्म हुआ है एक खेतों में, अभी और एक खेत बाकी है अभी तक। ये देखिए मेरा नज़ारा कैसा हो गया, मतलब बड़ा बड़ा हो गया है धान का। तो ऐसे हम फुल पेंट इसीलिए मैंने पहना हूँ क्योंकि जो धान गाछ होता है ना, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो धान गाछ होता है, धान गाछ का अंदर जो मतलब स्मूथ टाइप का जो बहुत कड़वा होता है, एक्चुअली हाफ पैंट या अगर खाली मतलब पैर में मतलब जाएगा तो वहाँ पे कट सकता है। तो इसीलिए हम क्या करें, जो फुल पैंट होता है वो पैंट मैंने पहन के वो मतलब किड्डा सब दे रहा था ताकि मेरा जो पैर है उसमें ना कुछ घायल आए। तो देखिए एक अभी ज़मीन मैंने दिया है, अभी और एक ज़मीन बाकी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और एक ज़मीन पे देने के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हम लोग क्या करते हैं। आप लोग तो मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा खेतों में वो हम लोग सेमी करेंगे। वो मशीन जो है, मशीन के अंदर पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद वो जो कीटनाशक होता है वो डालेंगे, उसके बाद हम लोग का सेकेंड जमीन पे देंगे। तो देखो फ्रेंड हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन हर ब्लॉग हमारा जो अपडेट हम लोग देंगे आप लोग के पास पहुंच जाए। ये जो अभी धान मतलब गाछ हुआ है, ये गाछ बड़ा बड़ा हो चुका है। यही लास्ट टाइम हम लोग कीटनाशक देंगे, मतलब 3 या 4 बार कीटनाशक देना पड़ता है इस गाछ मतलब खेतों को मेंटेनेंस करने के लिए। यही लास्ट टाइम है,
इस लास्ट टाइम देने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर ये पक जाएगा। मतलब अभी तक शीश नहीं, शीश मतलब होता है जो धान आता है। मैं दिखाता हूँ धान, ये जो अभी देखिए, ये देखिए, ये जो अभी धान हो रहा है ये है धान जो चावल कहता है। ये चावल अभी एक एक करके आ रहा है, 1 महीने के अंदर आ जाएगा, उसके बाद 2 या 3 महीने के एक महीने के बाद आ जाएगा और 1 महीने के बाद पक भी जाएगा। लगभग 3 महीने के अंदर ये पक जाएगा। ये पक जाने के बाद अलग एक ग्राउंड मतलब कलर आ जाता है, वो भी आप लोगों के पास हम शेयर करेंगे। ये अभी एक दो करके हो रहा है, अभी पूरा के पूरा नहीं हुआ है। देखिए और एक गाछ में आया है, ये देखिए, दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अभी पूरा का पूरा हो जाएगा, मतलब धान आ जाएगा 1 महीने के अंदर। चलिए दोस्तों, इस ज़मीन के अंदर भी हम कीटनाशक डालेंगे। पहले जो किया था, पानी डालेंगे, कीटनाशक डालेंगे। देखिए आप लोग, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्त। ज़मीन के अंदर ज़्यादा पानी नहीं है, तो इसी कारण हम लोग अभी पानी ढूंढ रहे हैं किस ज़मीन पे ज़्यादा पानी है, क्योंकि अभी ज़मीन पे ज़्यादा पानी नहीं रहता है, क्योंकि बारिश भी ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो मतलब जो मॉर्निंग में जो मतलब सीसी टाइप का कुछ होता है, और यहाँ पे पाम्प भी है, पाम्प अभी नहीं चल रहा है, तो इसी कारण थोड़ा मेरा दिक्कत हो रहा है मतलब पानी ढूंढने में। वो देखिए, वो लोग अभी पानी ढूंढ रहे हैं, मेरा दोस्त लोग, वो ड्राम लेके गया है तो अभी पानी भर रहा है, देख लीजिए। और ये देखिए नज़ारा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों का भी पानी डाल रहे हैं, और कीटनाशक भी डाल रहे हैं। ये बहुत ही मेहनत का काम है, अब मेरे को समझ में आ रहा है जो चाची लोग होता है कितना मतलब क्रिटिकल काम करता है। आसान काम नहीं है, मतलब 6 महीने 7 महीने तक इसको मेंटेनेंस करना बहुत ही क्रिटिकल काम है। एक्चुअली मैंने स्टडी इस टाउन में किया है, और मेरा जो जन्मस्थान है वो विलेज है, तो अब मेरे को समझ में आ रहा है जे मतलब गांव का लोग जो काम करता है, जो कुछ भी करता है, मतलब खेत वगैरह या जो भी काम करता है, बहुत ही हार्डी काम होता है, ये आसान काम नहीं है। मेरे को अब समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, रेडी हो चुका है मेरा दोस्त लोग, रेडी कर दिया है मेरा डंप। ये डंप मेरा अभी कंधे पे उठेगा और हम अभी जाएंगे पहले जैसा जो मतलब कीटनाशक दे रहा था ज़मीन के अंदर, वह हम अभी जा रहे हैं। अभी हम मेरा जो छोटा सा कैमरा है, वो कैमरा मेरा फ्रेंड लोग के पास देता हूँ, ताकि वो मेरे को कैप्चर कर पाए। तो चलिए दोस्तों, देख लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। Yeah.
हाय फ्रेंड, देखिए जो कीटनाशक था मतलब हम लोग ख़त्म कर दिया है, जो ज़मीन था हम लोग कंप्लीट कर दिया है, दे दिया है। तो यही लास्ट टाइम कीटनाशक मतलब हम लोग देंगे, उसके बाद हम लोग और नहीं देंगे। उसके बाद एक महीने के अंदर वो जो धान में शीश होता है वो आ जाएगा। उसके बाद दो से तीन महीने के अंदर पक भी जाएगा। पकने के बाद भी मैं एक ब्लॉग जो होता है मैं बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे दिखता है, ठीक है। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग मतलब अभी तक नाश्ता तक नहीं किया है, तो हम लोग अभी नाश्ता करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, हम आप लोगों के पास लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉक। वो क्या होता है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सब अच्छे से रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।